हेलो दोस्तों, नमस्कार। नानी दादी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसको आप जैन स्वेटर में और बच्चों के स्वेटर में, आप किसी भी चीज़ स्वेटर में आप डाल सकती हैं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना। मैं पहले सिलाई उल्टी तरफ से बनेगा, तो पहले सिलाई मैंने सीधी तरफ से बस सीधी सिलाई बना दी। अब मैं आपको इधर से डिज़ाइन बताऊंगी। सीधी सिलाई मैंने उल्टी तरफ से सीधी सीधी बना दी है, थोड़ा लूज भी बनाए। पहले फंदा सीधा बनाए, फिर तीन फंदों का डिज़ाइन है, तीन फंदों का डिज़ाइन है। जब तीन फंदे पहले तीन फंदे बुने पीछे से, फिर दो फंदे हटा के एक फंदा बनाए, फिर दो फंदे बनाए, फिर तीन फंदे पीछे से बनाए बुने, फिर दो फंदे हटाए और एक फंदे बनाए, फिर इसको गिरा दें, फिर दो फंदे बनाए पीछे से। ये तीन फंदों का डिज़ाइन है, इस तरह बनता जाएगा और ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तीन फंदे बुने पीछे से, तीन फंदे एक साथ बनाने, फिर दो फंदों को नीचे छोड़ दें, दो फंदों को छोड़ दें, एक फंदा बनाए पीछे से, फिर इनको गिरा दें, फिर इनको दो फंदों को बनाएं, फिर तीन फंदों को पीछे से बनाए, फिर दो फंदों छोड़ के एक फंदा बनाए, फिर इनको गिरा दें, फिर दो फंदे बनाए। ये तीन फंदे बुने एक साथ, तीन फंदे बनाए, फिर दो फंदों को छोड़ के एक फंदा पीछे से बनाए, फिर नीचे फिर गिरा दें, फिर दो फंदों को एक साथ बनाएं। इस तरह पूरी सिलाई आपको ख़त्म करनी है। तीन फंदों को बनाते रहना है, फिर दो फंदे छोड़ के एक फंदा बनाएं पीछे से, फिर उसको गिरा दें और फिर दो फंदे बनाएं। ये तीन फंदों को जाना है बस, तीन फंदों को ऐसे पीछे से बनाना, एक साथ बनाना, तीन फंदों, फिर दो फंदे छोड़ें और एक फंदा बुनाएं और गिरा दें उसको, मतलब फिर दो फंदे बच जाएंगे उनको दो बनाएं। इस तरह आपको पूरी सिलाई ख़त्म करनी है। दोस्तों ये मैंने पूरी सिलाई ख़त्म कर ली है, बस तीन फंदों का डिज़ाइन है। इसको ध्यान से बनाइए, एक फंदा कोई छूटे ना, जैसे एक फंदा दो फंदे छोड़ के आप एक फंदा बुने पीछे से, फिर एक गिरा दें, फिर दो फंदों को बनाएं, फिर तीन फंदे लास्ट में तीन फंदे रहे, तीन फंदे के हिसाब से आप फंदे डालें, फिर ये दो फंदे छोड़ के एक फंदा बुने, फिर गिरा दें, फिर लास्ट के दो फंदे बुने पीछे से, और फिर लास्ट में का फंदा एक सीधा बनाए। ये सिलाई के लिए ये आपको डिज़ाइन इस तरह बनेगा, बहुत ही प्यारा लगता है। चेन स्वेटर में तो बहुत ही प्यारा लगेगा, इसको ज़रूर बनाएं। और इसकी जो है एक सिलाई पीछे से उल्टी आएगी,
एक सराय उल्टी और एक सराय सीधी, फिर इसके बाद ये डिजाइन आएगा, एक सराय उल्टी पूरी ख़त्म करें बना के। डिजाइन के बाद एक सराय उल्टी बना के पीछे से ख़त्म करें। पीछे पूरी सिलाई बना के ख़त्म करें। दोस्तों मैंने एक उल्टी सिलाई पूरी बना ली है डिजाइन के बाद, और एक सिलाई इधर से सीधी बनेगी। इधर से एक सिलाई पूरी सीधी बनेगी, सीधी बना के ख़त्म करें। डिजाइन के बाद एक सिलाई उल्टी एक सिलाई सीधी बनेगी। एक सीधी सिलाई बना के क्या ख़त्म करें। पूरी सिलाई ख़त्म करें। डिजाइन के बाद बनाने के बाद एक सिलाई इधर से उल्टी और इधर से एक सिलाई सीधी बनाइए। बनाने के बाद फिर डिजाइन बनेगा। इसके बाद ये पीछे जो सिलाई है, दो सिलाई बनाने के बाद पीछे सिलाई जो है ये सीधी आएगी। उल्टे से उल्टी सिलाई में आपको सीधी सिलाई बनानी पड़ेगी। ये फंदा उठा लीजिए और इसको थोड़ा ढीला ढाला बनाएं। उल्टी सीधी सिलाई बनाएं पीछे से, थोड़ा थोड़ा लूज भी बनाएं ताकि आपको डिजाइन बनाने को दिक्कत ना आए। ये पूरी सिलाई सीधी बनाएं। पीछे से एक सिलाई सीधी बनाएं। थोड़ा लूज भी बनाए। ये मैंने उल्टी तरह से सीधी सिलाई, पूरी सीधी सिलाई बना ली है, और इधर से पूरा उल्टा उल्टा आएगा। जो सीधी तरफ से उल्टा उल्टा आएगा, अब इसके बाद फिर इसमें डिजाइन आएगा। डिजाइन के बाद पहले सिलाई उल्टी बनेगी, फिर सीधी बनेगी, फिर इधर से फिर सीधी बनेगी, ताकि इधर से उल्टा आए। दो सिलाई बनाने के बाद फिर डिजाइन पड़ेगा। दोस्तों इस तरह आप डिजाइन बनाएं, और मेरे इसको जो आपका को डिजाइन पसंद आए, मेरा डिजाइन आपको अच्छा लगे और पसंद आए, तो आप इसको लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू।